नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आशी प्रतीक और चलिए बढ़ते हैं आज की खास खबर की। अब खबर रियाबड़ी से। रियाबड़ी उपखंड सहित ग्राम थावला कस्बे की सुहागिन शकुंतला सारस्वत ने बताया कि धार्मिक मान्यता के अनुसार हर साल कृष्ण द्वादशी को बच्छ बारस गोवत्स द्वादशी पर मनाया जाता है। इस बार यह पर्व विशेष रूप से भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी को एवं कार्तिक कृष्ण पक्ष को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया गया। भारत के अधिकांश भागों में भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को गोवत्स द्वादशी के रूप में मनाया जाता है। कई पुराणों में गाय के शरीर के अंगों में देवी देवताओं की स्थिति का विस्तृत विवरण मिलता है। पद पुराण में गाय माता का वर्णन। पद पुराण के अनुसार गाय के मुख में चारों वेदों का वास है। उनके सिंह भगवान शंकर और विष्णु सदैव विराजमान रहते हैं, इसलिए आज के इस दिन बछड़े वाली गौ माता की पूजा की जाती है और घर परिवार देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए अपने पुत्र की लंबी आयु की मंगल कामना की जाती है। अन्य पुराणों में वर्णन में लिखा है कि बच्छ बारस गोवत्स द्वादशी व्रत कार्तिक माघ वैशाख और श्रावण मास की कृष्ण द्वादशी को किया जाता है। भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी के दिन गाय की पूजा की जाती है। यह पर्व संतान की कामना और सुरक्षा के लिए किया जाता है। इसमें गाय बछड़े और बाघ बाघी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाती है। शाम को व्रत के दिन गाय के बछड़ों के साथ पूजन कर कथा सुनाई जाती है, फिर प्रसाद ग्रहण किया जाता है। रेखा राजेंद्र कुमावत ने बताया कि आज विधिवत वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ मंगल गीत गाते हुए विधि विधान से सभी सुहागिन महिलाओं ने अपने पुत्रों के साथ पूजा अर्चना कर धार्मिक प्रवृत्ति को जीवित रखा। साथ ही गौ माता में लंपी बीमारी को फैली हुई है, उसे निजात दिलाने के लिए बीमारी को भगवान से मंगल कामना की कि परिवार देश की खुशहाली की मन्नत मांगी और उन्हें निजात जल्दी मिले। महिला बारस के दिन बछवारस की पूजा करते हैं गाय और बछड़े की माँ की, और उस दिन बाजरे की रोटी खाते हैं, मोट की सब्जी बनाकर खाते हैं और चक्कू से कोई मतलब काटते नहीं, कोई भी चीज़ कटी हुई चीज़ नहीं खाते,